फाइनली ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीशी की मौत हो गई है और पूरा ईरान सदमे में पहुंच गया है, क्योंकि ईरान और ईरान के लोगों के लिए इससे बुरा दिन कोई और हो ही नहीं सकता। और ये समझना, सोचना और देखना कितना हैरान करने वाला है कि एक ही समय, एक ही जगह और एक ही हेलीकॉप्टर से ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रहीशी के साथ साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान को खो दिया। और इस हेलीकॉप्टर के बड़े हादसे में ईरान के राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ कई सिक्योरिटी गार्डों की भी जान चलेगी। आप लोग खुद ईरान की स्टेट मीडिया का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि ईरान प्रेसिडेंट रईसी फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, यानी कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के दोनों ही टॉप लीडर्स मारे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले काफी समय से भारत ने ईरान के साथ काफी अच्छे रिलेशन बिल्ड किए हैं, जो कहीं ना कहीं अब भारत को खलेंगे, क्योंकि ईरान धीरे धीरे रूस के साथ साथ भारत का भी एक बड़ा पार्टनर बन के उभर रहा था। आपको दिखाएंगे कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर क्या बड़े बयान दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रशिया, टर्की और सऊदी अरबिया जैसे देशों ने ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरें सुनते ही एक बड़ा ऑर्डर दिया था और अपने कई हेलीकॉप्टर प्लेन्स और रेस्क्यूअर्स को भेज दिया था, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के राष्ट्रपति रईसी के काफी अच्छे रिलेशन है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि रशिया सेंड्स 2 प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड 50 पर्सनल टू ईरान टू असिस्ट इन फाइंडिंग रईसी। और टर्की ने भी अपने ड्रोनों के जरिए क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढने में ईरान की बड़ी मदद की है। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी ईरान की मदद करने से पीछे नहीं हटा। लेकिन इन सब देशों की मेहनत के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति को बचाया नहीं जा सकता, और इन देशों के बड़ी मदद के बाद भी ईरान को एक बड़ी ट्रेजेडी फेस करने को मिल गई। और रईसी के मरने की खबर मिलते ही ईरान के लोगों में एक रोष देखने को मिल रहा है। हर तरफ लोग गॉड से प्रे कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि अब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की डेथ भी कंफर्म कर दी है। और अब राष्ट्रपति रईसी के सब को तबरीज सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और यहीं पर उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। और अब ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि इंडिया स्टैंड्स विद ईरान इन दिस टाइम ऑफ सॉरो, पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कंडोल इब्राहिम रईसी डेथ। यानी कि पीएम मोदी और जयशंकर साहब जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस बुरे वक्त में ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग खुद पीएम मोदी जी का ये ट्वीट देखिए, जहां पर उन्होंने एक हार्टफेल्ट कंडोलेंस ट्वीट शेयर किया है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी को लेकर दुख जाहिर किया है। और वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने भी अपना एक ट्वीट शेयर करते हुए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर इस इंसिडेंट में मारे गए हैं तो उनके लिए भी कंडोलेंस शेयर किए हैं। अब देखना हो कि ईरान के राष्ट्रपति के मरने के बाद आखिर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।